सो हेलो रिवान एंड गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही रिव्यू सभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो है स्पोर्ट्स ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनते हैं तो हम कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करेंगे सारी चीज़ें करेंगे ठीक है तो आज के लेक्चर में ये जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स टॉपिक है हमारा दो लेक्चर्स में होगा ठीक है आज का जो पार्ट वन है आज का जो पार्ट वन है लेक्चर का सेकंड। गुड इवनिंग सभी को तो पार्ट वन में हम लोग करने वाले मेनली ओलंपिक्स क्योंकि ओलंपिक्स ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर इसको होलिस्टिकली कवर किया जाए सो दैट हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे ठीक है एंड कॉमनवेल्थ गेम्स एशियन गेम्स ठीक है ओलंपिक्स के कंपेरिजन बहुत छोटे छोटे टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स एंड दो इम्पॉर्टेंट हमारे स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड फुटबॉल सिर्फ कि वर्ल्ड कप पहला मैच ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो कल का हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज़ जो पार्ट टू रहेगा सेकेंड तो जो हमारा पार्ट टू रहेगा एक सेकेंड इसमें हम मेनली करने वाले हैं जो आपने क्वेश्चन देखे होंगे जैसे डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई हॉकी फील्ड के डायमेंशनस क्या है फिर फुटबॉल कोर्ट के डायमेंशन क्या है तो जो डायमेंशनस वाला पार्ट हो गया आपका वो देखने वाले हैं ठीक है डायमेंशनस हो गए ठीक है या फिर डिफरेंट मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता ना कि डिफरेंट टर्म्स जो एसोसिएटेड हैं स्पोर्ट्स से उससे क्वेश्चन बन जाते हैं या फिर जो हमारी ट्रॉफ़ीज़ होती हैं उससे क्वेश्चन बन जाते हैं एंड प्लस कल के लेक्चर में ही हम लोग एम प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं थोड़े फैक्चुअल है नहीं होगा तो यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड करवा दूंगा उसकी तो आप, आप पढ़ लेंगे बाकी जो डिस्कशन वाली चीज़ है जैसे डायमेंशंस वगैरह तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे है ना एंड बाकी आज का लेक्चर थोड़ा सा आ, थ्योरी बेस्ड ही रहने वाला है और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल फैक्चुअल तो है ऑब्वियसली स्टैटिक है, है तो फैक्चुअल तो होगा ही इसमें लेकिन ये है कि थोड़ा समझने वाली चीज़ें समझने इन दी सेंस कि थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप चीज़ें हम डायमेंशन में क्या ही इंटरेस्टिंग है हुँ? कि भाई फुटबॉल कितनी लंबाई है या फिर येलो कार्ड का मिलता है रेड कार्ड का मिलता है वो सारी चीज़ें कल कर डिस्कस करेंगे आज जो है हम इवेंट्स को डिस्कस करने वाले ओलंपिक इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया एशियन गेम्स हो गया क्रिकेट एंड फुटबॉल जो इवेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अगर आपकी सहमति हो तो स्टार्ट करें फिर एंड हाँ थैंक यू भाई सभी को आ, हम लोगों ने फाइव लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं यूट्यूब पे काफ़ी जल्दी और उसका उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ठीक है क्योंकि आप ही लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया है एंड जल्दी वन मिलियन की तरफ हम लोग अब अग्रसर हो चुके हैं <laughs> देखते हैं भाई कि वन मिलियन कब तक अचीव कर पाएंगे होप सो इस साल के एंड तक ईयर एंड तक अचीव कर लें बाकी तो किसी को क्या ही पता क्या होगा है ना जो भी होगा अच्छा ही होगा चलो तो स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स को सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं ओलंपिक्स वी वुड स्टार्ट ओलंपिक्स क्योंकि सबसे पहला इवेंट एक तरह से बोल सकते हैं स्पोर्टिंग इवेंट और सबसे मेजर अभी जो करेंटली एग्जिस्ट करता है वो ओलंपिक्स की जो सबसे बड़ा इवेंट है सारी चीज़ें देखेंगे हम सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे देन हम देखेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही बाकी सारी चीज़ें अपकमिंग जो आपके ओलंपिक्स होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे वो सारी चीज़ें जो है हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं right? स्क्रीन में आई थिंक कुछ गड़बड़ी हो रही है एक सेकंड रुको। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अभी तो हिस्ट्री की अगर बात करें यानी कि कब से स्टार्ट हुए ये इन ये देख पा रही है ठीक है जो मच्छर राम जी जो हमारे ठीक है और ये इन दो लोगों लो लो ने ही ओलंपिक स्टार्ट किया था इन दो लोगों ने ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया था जो हमारी ओलंपिक्स करवाने की जो संस्था है ओलंपिक कंडक्टिंग बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन शॉर्ट आई जिसको कि फॉर्म किया था दो बिजनेस थे इन एटीन ईयर इन दर एटीन एक तो पीर द क्यूबर्टिन ये नाम याद रखिएगा जो हमारे मुच्छल राम हम जी हैं ये ये हमारे पीर क्यूब क्यूबर्टिन है पीर दी क्यूबर्टिन और दूसरे हैं हमारे डिमेट्रस डिमेट्रियस विकेलास ठीक है तो इन दो लोगों ने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया और इसको ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करवाया 1894 में स्टार्ट नहीं हुए स्टार्ट तो होते हैं हमारे जाके बाद में लेकिन एक सेकेंड रुको यार मच्छरों का अपना अलग ही रोना रोना रहता है ठीक <laughs> है तो 1894 में स्टार्ट नहीं होते हैं एटीन में ये फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्टार्ट कब से होते हैं अभी देखेंगे बट बिफोर दैट ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेड क्वार्टर है हेड क्वार्टर है इनिशियली तो पैरिस फ्रांस में था यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनिशियली तो पैरिस फ्रांस में था बट करेंटली करेंटली जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का दैट इज़ इन लौसान स्विट्जरलैंड लौसानि स्विट्जरलैंड में यू सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ठीक है स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर्स लोकेटेड है जैसे मैंने बताया पीर दी क्यूबर्टिन है ये हमारे हैं विकास भाई <laughs> मतलब डिमेट्रियस विकेलास जी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था ये जो डिमेट्रस विकेलास हैं इन शॉर्ट हम विकास बोलेंगे इनको ठीक है तो यही बने थे पहले चेयरमैन और पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले जो प्रेसिडेंट हैं चेयरमैन बोल लीजिए फिर प्रेसिडेंट बोल लीजिए विकास भाई साहब बने थे दूसरे जो बने थे हमारे ये बने थे कौन पीर क्यूबर्टिन जी बने थे पीर दी क्यूबोटिन ने ही जो ओलंपिक रिंग्स आप देखते हैं उनको भी डिजाइन किया था जो ओलंपिक रिंग्स आप देखते हैं ये ओलंपिक रिंग्स हैं ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट से राइट में अगर ऑर्डर में लगाने को पूछ ले कलर्स तो क्या कलर का ऑर्डर होगा ये है आपकी ब्लू देन येलो देन ब्लैक देन ग्रीन देन रेड ये जो पांच रिंग्स हैं जो आपस में एकदम जुड़े हुए हैं ये पांच कॉन्टिनेंट्स का जो जुड़ना है उसको यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है यूनियन ऑफ फाइव कॉन्टिनेंट ठीक है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये यूनियन ऑफ फाइव मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि भाई ठीक है ब्लैक अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है येलो एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बट ओलंपिक्स कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी इस तरह का कुछ चीज़ मैंशन नहीं है तो इस चीज़ को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे तो यूनियन ऑफ़ फाइव कॉन्टिनेंट्स को दिखाता है हमारी फाइव रिंग्स और लेफ्ट से राइट में आपको कलर का ऑर्डर पता होना चाहिए ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड क्लियर इतनी चीज़ किसने डिज़ाइन किया था पीर दियो कुबर्टिन जी ने इसको डिज़ाइन किया था जो हमारे सेकंड ओलंपिक के प्रेसिडेंट थे पहले प्रेसिडेंट थे विकास भाई साहब अब जो ओलंपिक के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं वो आठ साल के टेन्योर के लिए होते हैं और चार 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 साल में ये रिव्यू कर लिया जाता है कि क्या उनका जो टेन्योर उसको एक्सटेंड करना है फिर नहीं करना है ये जो चुना जाता है ये सेशन कंडक्ट होते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जितने सदस्य हैं जैसे कि अभी मंबर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो टोटल वन जीरो कंट्रीज़ हैं करेंटली तो सेशन्स होते हैं और यही लोग जो हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू कैसे सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है ये चुन लेते हैं कमेंट में बताइए जब मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई थी तो किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का मैंने इलेक्शन बताया था कि ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है यानी कि किसी को दिखाना नहीं होता है यानी कि इस केस में जो विप है दैट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ वो नहीं लगता है कौन सा होता है किसका इलेक्शन होता है कोई बताएगा सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है तो ये होता है हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन यानी कि जब सीक्रेट बैलेट है तो आपको किसी को दिखाना ही नहीं है तो इस केस में डिफेक्शन लगता ही नहीं है डिफेक्शन के तहत डिसक्वालिफ़िकेशन नहीं हो सकता है राज्यसभा में सीक्रेट तो है लेकिन इतना भी सीक्रेट नहीं है यानी कि आपको सीक्रेटली तो डालना है लेकिन अपने पार्टी का जो विप है उसको दिखाना है जो अगर पार्टी बोलेगी उसी को वोट देना है करप्शन प्रिवेंट करने के लिए सारी चीज़ें में देखी थी तो सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसमें चुनाव होता है एट्टीन में बन जाता है आपका ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहले हमारे विकास भाई साहब बन जाते हैं 1894 में प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट 1896 में बन जाते हैं पीर दी क्यूबर्टिन ओलंपिक रिंग्स रिंग का भी डिज़ाइन हमने देख लिया किसने क्या किया अब जो हमारे फर्स्ट ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं फर्स्ट ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं वो खेले जाते हैं इन दर एटीन नाइन्टी इन दी इन द एथेंस ऑफ ग्रीस ठीक है तो एथेंस ग्रीस में इसको खेला जाता है ग्रीस के प्रेसिडेंट अभी हमारी जो रायसीना डायलॉग हुआ था उसमें बने थे चीफ गेस्ट अगर आपको याद हो मैंने बताया था तो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स 1896 में हुए थे ये फर्स्ट समर ओलंपिक्स की बात हो रही है ठीक है ये किसकी बात हो रही है फर्स्ट समर ओलंपिक्स की वही अगर हम बात करें फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स की फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स ये भी आपसे पूछ सकता है बट एक चीज ध्यान रखिएगा एक सेकंड रुके ठीक है तो फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो कब हुआ था इन द ईयर 1924 ट्वेंटी फ्रांस में ठीक है ये थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ें हैं चैमनिक्स फ्रांस में हुआ था पहला विंटर ओलंपिक गेम्स दैट इज़ पहला शीतकालीन जो हमारे ओलंपिक खेल हैं वो हुए थे अब पहला अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स पैरालंपिक गेम्स का मतलब क्या है जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं आप जानते हैं स्पेशली एबल्ड लोग जैसे कि मान लो जो चल नहीं सकते हैं ऐसे करके तो उनको हम स्पेशली एबल्ड बोलते हैं तो उनके लिए अलग से ओलंपिक्स होते हैं बट बट अभी आप सुनते होंगे कि जो ओलंपिक जैसे मान लो अभी पिछले वाले ओलंपिक कहाँ पे हुए थे टोक्यो में तो साथ ही साथ कंडक्ट होते हैं ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल ओलंपिक्स हो रहे हैं उससे अलग पैरालंपिक्स हो रहे हैं किसी दूसरे ईयर में या फिर किसी मान लेते हैं दूसरी जगह में नहीं सेम ईयर में सेम जगह में आपके पैरालंपिक भी कंडक्ट होते हैं लेकिन सबसे पहले जब एटीन में ओलंपिक्स गेम्स स्टार्ट हुए थे तब से स्पेशली एबल्ड लोगों का चालू नहीं हो गया था ठीक है तो पैरालंपिक्स फर्स्ट पैरालंपिक की अगर बात करें बाद में स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1960 1960 में रोम इटली से रोम इटली से स्टार्ट हुए थे आपके फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स अब क्योंकि फर्स्ट की बात ही आ रही है तो हम ये भी लगे हाथ देख लेते हैं कि फर्स्ट यूथ फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक्स फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक्स एंड फर्स्ट यूथ विंटर ओलंपिक्स कब हुआ तो फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स हुआ 2010 में कहां पे सिंगापुर में और पहले विंटर यूथ विंटर ओलंपिक गेम्स हुए 2012 में कहाँ पे इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में आप एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा एंड दैट इज इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एस के द्वारा एंड दैट इज कि समर और विंटर ओलंपिक देखो दो ओलंपिक के बीच में चार साल का मैक्सिमम गैप होता है दो ओलंपिक के बीच में लेकिन सक्सेसिव समर और विंटर ओलंपिक के बीच में दो साल का गैप होता है ठीक है मैंने कहीं गलती से पीछे तो दो नहीं बोल दिया मतलब कि दो ओलंपिक के बीच में चार साल का गैप होता है लेकिन समर और विंटर के बीच में दो दो साल का गैप होता है देख लीजिए आप ठीक है यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि 1924 से ही विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए हैं तो समर और विंटर ओलंपिक गेम्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो दो साल का होता है जैसे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए शेड्यूल जैसे अभी 2024 में ये ओलंपिक हो रहे हैं 2024 में हमारे समर ओलंपिक हो रहे हैं अभी पेरिस फ्रांस में होंगे अभी स्टार्ट होंगे 2026 में 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे तो दो दो साल के गैप में होते हैं और वो विंटर ओलंपिक कहाँ पे होंगे मिलान एंड कॉर्ती में होंगे वो सारी चीज़ें अभी करेंगे ठीक है इतनी चीज़ आपको समझ में आई किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है कि फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए कब हुए और कभी कभी सेकंड भी पूछ लेता है कि सेकंड ओलंपिक गेम्स कब हुए तो सेकंड भी अभी देखेंगे हम ठीक है सेकंड भी चल मैं नहीं हुआ तो बता देता हूँ यहाँ पे सेकंड जो हुए थे सेकेंड ओलंपिक गेम्स समर ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं ठीक है सेकेंड ओलंपिक गेम्स हुए थे नाइनटीन में कहाँ पर हुए थे पेरिस फ्रांस में हुए थे क्लियर सभी को यहाँ तक हम्म <laughs> सबका सही है हाँ डाउट है बेटा हिटलर का दमाद अगर यह लिख दिए होते हम्म hmm. डाउट तुम तो हम डाउट ना पढ़ लेते तब तुम्हें डाउट का इंतजार तो करेंगे नहीं इतनी देर तक डाउट लिख दिए तो तुम पढ़ लिए होते ठीक है बाकी देखते हैं जब मैं पूछूंगा दोबारा तब अब बताना तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी तो दूसरा भी मैंने बता दी अब एक चीज ध्यान रखना अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया मोटो अगर कभी पूछ ले तो मोटो जो है इसका दैट इज सिटियस ठीक है सी आई है सी आई टी आई यू एस सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस एंड कमोनिटर ठीक है कॉमोनीटर इसका मतलब क्या होता है सिटियस का मतलब होता है फास्टर इसका ऑल्टीयस का मतलब होता है हायर फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर एंड कम्यूनिटियर का मतलब होता है टुगेदर फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर तो ये मोटो है ओलंपिक्स का क्लियर इतनी चीज अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया की परफॉर्मेंस इन दी ओलंपिक्स ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी एंड लास्ट में हम देख लेंगे नहीं तो चलो अभी देख लेते हैं लगे हाथ ठीक है कि जो हमारे लेटेस्ट जो लेटेस्ट ओलंपिक्स होंगे दैट इज़ 2024 में ये ध्यान रखिएगा थर्टी थर्ड ओलंपिक्स होने वाले हैं ठीक है जो दो में जो ओलंपिक्स होंगे ये आपके थर्टी ओलंपिक्स होंगे और ये कहाँ पे होने वाले हैं 2024 के ये पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं जहाँ पे हमारे दूसरे ओलंपिक गेम्स हुए थे कहाँ पे पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं 2026 वाले कहाँ पे होंगे 2026 थाउजेंड ट्वेंट सिक्स हाँ टू सॉरी टू थाउजेंड वाले ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे ये होंगे आपके लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में एलए एंड कैलिफोर्निया यू में होंगे 2032 2032 की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होने वाले हैं ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं और अगला वाला 2036 अभी अनाउंस नहीं हुआ है होपफुली इंडिया इसको कंडक्ट करे मतलब इंडिया होस्ट कर सकता है क्योंकि बात चल रही है है ना अनुराग जो ठाकुर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अभी आ, मार्च के महीने में उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज़ किया था कि ही इज़ इन टॉक्स विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कि 2036 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो इंडिया होस्ट करे क्योंकि ब्राज़ील ने होस्ट किया अगर हम आ, इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं किसी कंट्री से इकनॉमिक्स पॉपुलेशन और थोड़ा सा एरिया के टर्म्स में तो दैट इज़ ब्राज़ील तो ब्राज़ील ने होस्ट किया 2016 में तो हम भी कर सकते हैं ठीक है खैर अभी आते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस अभी लेकिन इंडिया ने एक बार भी किया नहीं है होस्ट कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा ठीक है एंड सबसे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर पूछ ले या तो चलो यहीं पर ही अब लिख देते हैं बात आई ही है तो तो सबसे ज़्यादा मोस्ट most... चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक सेकंड रुकना फिर ठीक है अब लगे हाथ यहीं पे ही सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं चलो तो यहां पे अगर हम बात करें मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने होस्ट किया है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने होस्ट किया है तो इस सबसे ज्यादा बार होस्ट किया है यूएसए ने आठ बार चार समर और चार विंटर इसने होस्ट किए हैं फोर प्लस फोर चार समर और चार विंटर अगर सिटी पूछ ले कि किस सिटी ने सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया है तो सबसे पहले तो ये आपकी लंदन ने होस्ट किया है तीन बार इस बार पेरिस होस्ट करके वो भी तीन बार होस्ट करने वाली एकमात्र सिटी मतलब नॉट एकमात्र लंडन है पहले पैरिस सेकेंड सिटी बन जाएगी और अगले साल लॉस एंजलिस इसको होस्ट करके वो भी तीन बार होस्ट करने वाली बन जाएगी तो अभी तक सिर्फ एक सिटी की बात कर रहा हूँ सिटी जो है वो लंदन है जिसने तीन बार होस्ट किया है अभी पेरिस होस्ट करेगा वो भी तीन बार होस्ट कर लेगा लॉस एंजलिस होस्ट करेगा अगली बार दो में वो भी तीन बार होस्ट कर लेगा अब आ जाते हैं कायदे से इंडिया की परफॉर्मेंस बिना ज़्यादा देरी के इंडिया ने सबसे पहले कब कब पार्टिसिपेट किया इंडिया का पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें इंडिया का पार्टिसिपेशन तो इंडिया ने सबसे पहले सेकेंड ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया बट एज अ टीम नहीं 1900 में जो मैंने आपको बताया जो सेकेंड ओलंपिक्स हुए थे आपके इन दी पेरिस फ्रांस यहाँ पे इंडिया की तरफ से एक एंग्लो इंडियन थे जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड वो वैकेशन्स के लिए गए हुए थे पेरिस फ्रांस में ठीक है तो बोले हमको भी खिला लो जैसे नहीं होता है गाँव में है ना जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो कहीं पर हो रहा मान लो किसी नई जगह गए मान लो मामा क्या गए कहीं पर मान लो क्रिकेट हो रहा तो गए भाई हमको भी खिला लो फिर उसने बोला कि भाई चलो भाई कोई नहीं तो क्रो ही बना लो हैं क्रो तो जानते हो ना क्रो क्रो इज़ लाइक धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का <laughs> लेकिन कभी कभी फ़ायदेमंद भी हो जाता था है ना दोनों साइड से बैटिंग करने का मौका मिलता था तो इसी तरह जो है इन्होंने बोला हमको भी खिला लो और सीधे दो सिल्वर मेडल लेके आए थे ये दो सिल्वर मेडल लेके आए थे लेकिन उतना ज्यादा इसको हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करते नहीं है बिकॉज एज अ टीम हमने कोई ऐसा अपना कंटिजेंट नहीं भेजा था कि चलो भाई इंडिया की तरफ से अभी रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है हमने जो टीम भेजी थी फर्स्ट जो टीम भेजी थी वो ईयर 1920 में भेजी थी 1920 में भेजी थी बेल्जियम में हम एक भी मेडल जीत नहीं पाए थे लेकिन रुको जरा सब्र करो अभी मेडल जितवाते हैं ठीक है बैक टू बैक इतनी चीज़ क्लियर तो पहले हमने 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड एक ही बंदा था एंग्लो इंडिया था दो सिल्वर मेडल लेकर आया 1920 में हमारी पहली टीम गई बेल्जियम में ठीक है और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की अगर परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने आज तक 35 मेडल्स जीते हैं 35 मेडल्स जीते हैं भारत ने 35 मेडल्स इसमें से दस गोल्ड मेडल हैं दस गोल्ड मेडल हैं ये दस गोल्ड मेडल को हम एट प्लस टू में डिवाइड कर सकते हैं एट गोल्ड मेडल्स मिले हैं टीम ये टीम इवेंट में मिला है और दो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आए हैं यानी किसी व्यक्ति ने व्यक्ति विशेष ने इनको जीता है और ये जो टीम है हमारी ये सिर्फ एक ही टीम है एक ही स्पोर्ट्स की टीम है और वो टीम कोई और नहीं हॉकी टीम है और कोई टीम जो है अभी तक गोल्ड मेडल जीत के नहीं ला पाई है तो अब हम ये देखेंगे कि आठ गोल्ड मेडल कब कब आए क्योंकि इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं आपके और इंटरेस्टिंग भी होगा पढ़ने में तो ये अभी मैंने आपको बताया उन्नीस सौ में पहले 1920 में एज अ टीम कोई मेडल नहीं अब आते हैं 1924 में भी हमने कोई एस मेडल नहीं जीता अब आते हैं 1928 में 1928 से स्टार्ट करते हैं सिलसिला ठीक है 1928 का जो ओलम्पिक्स हुआ था वो एम्स्टरडैम में हुआ था कहाँ पड़ता है एम्स्टरडैम एम्स्टरडैम में हुआ था और इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता ये मतलब लिख नहीं रहो मैं अलग से आप एक एक करके अब जहाँ पे नहीं जीता वो मैं बताऊँगा क्योंकि अब बैक टू बैक जीता है ठीक है तो इट इज़ काइंड ऑफ ये ले पहला ये ले दूसरा ये ले तीसरा ठीक <laughs> है तो बैक टू बैक जो है हमारी हॉकी टीम ने यहाँ पर मेडल्स जीते मेडल नहीं गोल्ड मेडल जीते ठीक है ये चीज़ ध्यान रखिएगा बैक टू बैक हमने गोल्ड मेडल जीते और यहाँ पे पता है ये जो उन्नीस वाला हुआ था इसमें टोटल 29 गोल हुए थे और टोटल 14 तो गोल्ड 14 गोल तो हमारे मेजर ध्यानचंद ही मारे थे ठीक है चौदह के चौदह मतलब आप समझ सकते हो ठीक है ये मैं फाइनल्स की बात कर रहा हूं 1932 की अगर बात करें तो 1932 में लॉस एंजलिस में हुए थे तो पहली बार लॉस एंजलिस ने होस्ट किया था यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए देन हुआ था आपका ये बर्लिन में ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद नहीं करना आपको कि कब हुआ मतलब कहां पर हुआ था बस ये याद रखना कि नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक उन्नीस तक इंडिया ने सा सारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता कोई नॉट इवन अ सिंगल कंट्री वाज एबल टू डिफ़ीट द इंडिया 1936 में बर्लिन में जीता 1948 1948 में आ, अब समझ सकते हो 1948 मतलब हमारे आज़ादी के बाद ये पहला ही ओलंपिक्स था और समझिए हमने फाइनल में पता है किसको हरा हुआ कहाँ पे था लंडन में हराया किसको <laughs> इंग्लैंड को और कितने से हराया फोर जीरो से हराया मतलब इससे घंघोर बेजती हो नहीं सकती थी इंग्लैंड की कि जिस कंट्री में अभी तक रूल किए हैं वो कंट्री अभी इंडिपेंडेंस अभी एक साल मिली और उसी ने उसी के घर में उसी को ही और एकदम क्लीन स्वीप करके आए हैं लेकिन इसमें मेजर ध्यानचंद नहीं किशन लाल जी लीड कर रहे थे पहली बार ऊपर वाले तीनों में मेजर ध्यानचंद जी इसमें किशन लाल जी लीड कर रहे थे ठीक है अब 19 और हाँ यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा 1936 से लेके 40 तो आप बोलोगे 1940 फोर्टी का गया 1944 फोर्टी फोर गया तो यहाँ पे नो ओलंपिक्स वाज हेल्ड क्यों रीजन बता सकता है कोई ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 45 तक उसकी वजह से यहां पे कोई नहीं हुआ था मतलब कोई ओलंपिक नहीं हुआ था 1916 में भी कोई ओलंपिक नहीं हुआ था ध्यान रखना ठीक है यहां पे मैं लिख देता हूं 1916 में भी नो no ओलंपिक्स कोई ओलंपिक नहीं हुआ था ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू पहला युद्ध जो उन्नीस से लेकर उन्नीस सौ अट्ठारह फोर्टीन से लेकर नाइनटीन एटीन तक हुआ था तो तीन ऐसे साल थे जब कोई ओलंपिक्स नहीं हुआ था ड्यू टू वर्ल्ड वॉर्स नाइनटीन फोर्टी एट के बाद फिर से आ जाओ नाइनटीन फिफ्टी टू में आ जाओ इस बार ये हुआ था हेल की फिनलैंड में और उस समय जब हुआ था तो चल रहा था सर ये इसका टाइम मतलब कि ये जो सन था ना सन मतलब ऐसे समझ लो सन की डायरेक्ट रेज नदर नमे में पढ़ रही थी अब आपको पता है कि जो फिनलैंड हो गया नॉर्वे हो गया ये सब नॉर्डिक कंट्रीज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ पोल के पास तुम्हें देखने को मिलती हैं सारी कंट्रीज नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन डेनमार्क तो यहाँ पर आपको पता है कि जब हमारी अर्थ टिल्टेड रहती है अर्थ का नदर नमेस्फियर सन की ओर टिल्टेड रहता है तो छः महीने दिन और छः महीने रात वाली कंडीशन होती तभी नॉर्वे को हम क्या बोलते हैं लैंड ऑफ मिड सन बोलते हैं मध्यरात्रि का सूर्य का देश बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर छः महीने दिन छः महीने रात यानी कि हमारी जो टीम गई थी उसको काफ़ी यहाँ पर डिफिकल्टीज मैं क्यों बता रहा हूँ काफ़ी डिफिकल्टीज देखने को मिली थी बिकॉज रात हो ही नहीं रही थी इन स्पाइट ऑफ दैट मतलब इतनी टफ कंडीशन के बावजूद भी हमने यहाँ पे गोल्ड मेडल सिक्योर किया 1952 में मतलब काफी इंस्पायरिंग है बताने को तो मैं बता सकता हूँ 1928 से लेके 56 तक बैक टू बैक जीता देन एसेट जीता है लेकिन काफी इंस्पायरिंग है ये ठीक है 1952 में हमने जीता देन 1956 में 1956 में ये और ज्यादा इंस्पायरिंग है मेलबर्न में मेलबर्न में हमने जीता और ये पता है इस पर्टिकुलर इवेंट में नॉट इवन अ सिंगल गोल वॉज स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया जितने भी मैच हुए पाँच छः उसमें से कोई एक टीम भी एक गोल भी नहीं मार पाई इंडिया के अगेंस्ट सारे के सारे मैच क्लीन स्वीप से जीते थे और आखिरी में सोचो किसको हराए थे पाकिस्तान को इसी बात से बस पाकिस्तान पाकिस्तान काफ़ी चिड़ गया था तो 1960 में पाकिस्तान से हमें हार झेलनी पड़ी थी वो भी फाइनल्स में तो यहाँ पर हमें सिल्वर मेडल देखने को मिला था यहाँ पर यहाँ पर सिल्वर मेडल बट 1964 में बदला तो लेंगे ही 1964 में फिर पाकिस्तान को ही हराए टोक्यो ओलंपिक्स में टोक्यो में हुए थे ये और पाकिस्तान को हराए थे यहाँ पे फाइनल्स में ये तो खैर चीज़ें नहीं पूछेगा कि, 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 किसको हराए थे बट हाँ थोड़ा तो पता होना चाहिए आपको इसके बाद जो है इंडिया का उतना अच्छा फेज़ नहीं रहा इसके बाद अगर हम बात करें तो आप ये समझो कि उन्नीस से लेकर छप्पन तक एक दो तीन चार पाँच छः गोल्ड मेडल इंडिया ने जीत ली यहाँ तक ठीक है सिक्स गोल्ड मेडल इंडिया ने यहां तक सिक्योर कर लिया। ब्रेक आ गया ना तो ये बैक टू बैकअप नहीं रहा सातवां यहां पे मिला गोल्ड मेडल अब बस एक और मिलेगा इसके बाद जो है इंडिया को दो ब्रॉन्ज मिले 1970 ये ये 1970, सौ सत्तर चौहत्तर तो दो ब्रॉन्ज प्लस सेवेंथ प्लेस में फिनिश मतलब ये सबसे ह्यूमिलेटिंग हमारे लिए था कि सातवें वो टीम जो अभी तक बैक टू बैक उसको कोई हरा नहीं पा रहा है इतने सालों से उसका एकदम मोनोपली टाइप आप समझ सकते हो वो सेवेंथ प्लेस पे फिनिश कर रही है तो ये जो है तीन ओलंपिक के बाद फिर हमें मिला 1980 में 1980 में इन 1980 again अगेन इन Moscow मॉस्को again अगेन वी the दी आर दी वी आर गोल्ड यहाँ पे हो गया था ठीक है यहाँ पे होगा हमारा एट्थ गोल्ड एंड इट वॉज नॉट ओनली द दोल्ड बट फाइनल मेडल बाई दी ओलंपिक बाई हॉकी टीम और अब जाके टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी हॉकी की टीम 1980 के बाद कोई मेडल जीत के ला पाई है 1980 के बाद आप समझ सकते हो ठीक है तो ये हमारा आखिरी गोल्ड मेडल भी था हॉकी टीम के द्वारा तो ये हमारे आठ गोल्ड की पूरी जर्नी थी जो मैंने आपको बताई एंड जो दो इंडिविजुअल मिले उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि दो इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन कौन से दो इंडिविजुअल जो गोल्ड मिले यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है एक बार मैं देख लेता हूँ दो इंडिविजुअल गोल्ड कौन से थे एक बार उठा के फिर पटक दिया ब्रॉक लेजनर की तरह आ, तो दो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल कौन से हमारे एक तो अभिनव बिंद्रा जी अभिनव बिंद्रा जी ने जीता अभिनव बिंद्रा जी ने पता है कब जीता था ये पूछता है क्वेश्चन ये जीता था इन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में बीजिंग ओलंपिक्स हुए था इन द ईयर 2008 2008 में हुआ था और ये टेन मीटर एयर राइफल जो इवेंट हुआ था टेन मीटर एयर राइफल शूटिंग जो इवेंट हुआ था उसमें जीता था और आपको पता होना चाहिए कि हमारे अभिनव बिंद्रा जी ही 2024 के ओलंपिक्स में टॉर्च बियर रहने वाले हैं फ्लैग बियर नहीं ध्यान रखिए इस चीज़ को और हाँ इंडिया के लिए पहला फ्लैग बियर कौन था अगर पूछ ले तो यहाँ पे लिख देते हैं अगर पूछ ले कि इंडिया का पहला फ्लैग बियर टॉर्च बियर का मतलब है वो ओलंपिक्स वालों ने बुलाया है अभिनव बिंद्रा जी को एज अ ऑनर देने के लिए फ्लैग बियर वो होता है जो इंडिया खुद भेजता है इंडिया खुद भेजता है उनको नॉमिनेट करता है ठीक है बुलाया नहीं जाता तो इस बार फ्लैग बियर रहने वाले हैं अभी मैं लिख दूंगा अचंता शरद कमल टेबल टेनिस से है वो ठीक है तो फर्स्ट जो हमारे फ्लैग बियर थे अब क्योंकि ओलंपिक्स वाला साल है ना तो इसलिए ओलंपिक्स को थोड़ा सा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा मैं इसलिए मैं थोड़ा सा आराम आराम से आहिस्ता से लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है फर्स्ट फ्लैग बियर और इन सब से आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो फर्स्ट फ्लैग बियर की अगर हम बात करें तो ये थे हमारे पूर्मा बनर्जी जो 1920 में कंटीजेंट भेजा था ना उसी की बात कर रहे हैं हम ठीक है तो पूर्णा बनर्जी इसमें टोटल हमारे पाँच लोग गए थे 1920 वाले में पाँच लोग गए थे उसमें तो पूर्मा बनर्जी भी थे जिनको फ्लैग बीर के तौर पे भेजा गया था ठीक है और इस बार जो है फ्लैग बीरियर चलो मैं बाद में लिख दूंगा तो दो इंडिविजुअल मेडल हमें मिले एक तो अभिनव बिंद्रा जी ने सबसे पहला गोल्ड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलाया और उन्नीस के बाद कोई हमें गोल्ड मेडल मिला यानी कि अट्ठाईस साल बाद आप समझ सकते हैं अट्ठाईस साल का सूखा और दूसरा जो है नीरज चोपड़ा जी जो टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा इन दी टोक्यो ओलंपिक्स आप सभी जानते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एंड इट वाज आर फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट अब ट्रैक में ही आता है तो ट्रैक एंड फील्ड टू विन एंड ओलंपिक गोल्ड टू विन एन ओलंपिक गोल्ड. तो गोल्ड और ये गोल्ड जिस दिन उन्होंने जीता था विद्रो ऑफ एन एट्टी सेवन पॉइंट फाइव एट मीटर और ये जो इन्होंने जीता था सेवेंथ अगस्त को एक तो चलना बंद हो जाते हैं ये ठीक है जो, जो जिस दिन इन्होंने जीता था सेवेंथ अगस्त को इसको हम डिक्लेयर किए इंडियन गवर्नमेंट ने जेवलिन थ्रो डे जैवलिन थ्रो डे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जेवलिन थ्रो जो है डे हम मनाते हैं सेवेंथ अगस्त को बिकॉज इसी दिन गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा जी ने क्लियर यहाँ तक सभी को कि दो इंडिविजुअल हमारे कौन से हैं और इस बार की अगर हम बात कर लें 2024 की फोर की जो ओलंपिक्स होने वाले हैं अब देखते हैं क्या इंडिया का परफॉर्मेंस रहती है लेकिन जो पिछली वाली परफॉर्मेंस थी वो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी अब एक एक करके देखेंगे इंडिया ने कितने मेडल जीते कितने क्या कैसे ठीक है वो टोक्यो ओलंपिक्स इंडिया का बेस्ट था होप ये हमारा बेस्ट हो पैरिस वाला तो इसमें जो है हमारे लिए टॉर्च बियर तो रहने वाले हैं कौन टॉर्च बियर ये रहने वाले हैं इंडिया की तरफ से ये रहने वाले हैं अभिनव बिंद्रा जी ठीक है अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा और इंडिया की तरफ से अभी शेफ डी मिशन अपॉइंट हुई थी शेफ डी मिशन अपॉइंट हुई थी मैरी कॉम जी लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें और फ्लैग बियर रहेंगे कौन फ्लैग बियर रहेंगे इंडिया की तरफ से अचंता शरत कमल ये अचंता शरद कमल आपके टेबल टेनिस से एसोसिएटेड हैं दो टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन दी कॉमनवेल्थ नॉट इन दी ओलंपिक्स अचंता शरद कमल ठीक तो ये है जो 2024 का आने वाला है जो पेरिस फ्रांस में होगा ठीक है और एक और था उनका क्या नाम था बिल्किस मीर हाँ ध्यान रखना उनका नाम था बिलकिस मीर है बिल्किस मीर कौन है इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ध्यान रखना बिलकिस मीर ये जम्मू कश्मीर से हैं ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि ये पहली इंडियन वेमेन होंगी फर्स्ट इंडियन वेमेन होंगी टू बी अ ज्यूरी मेंबर, ज्यूरी मतलब तो जज वाला एक जज का जो ग्रुप होता है तो ज्यूरी मेंबर होने वाली है फर्स्ट इंडियन वेमेन इन दी ओलंपिक्स इन ओलंपिक्स कहाँ से जम्मू कश्मीर से नाम क्या है बिल्किस मीर इनका नाम है क्लियर इतनी चीज़ और अभी मतलब अब सरप्राइज हो गए अभी कुछ ही घंटे पहले की न्यूज़ है ठीक है कि आ, मतलब इनको परमिशन नहीं मिल रही है बाहर जाने की अभी आई थिंक दस दस ग्यारह घंटे पहले की न्यूज़ है इनको परमिशन नहीं दी जा रही है कि ये वहाँ पर जा सकें तो अभी हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के बोला कि भाई परमिशन दो भाई इनको एक <laughs> तो पहली बार पहली बार ऐसा कुछ मौका मिला है और आप परमिशन नहीं दे रहे हो उनको ठीक है तो ये है इंडिया की अब हाँ तो अब एक एक करके आते हैं जैसे कि इंडिया के हमने ये तो देख लिया बाकी भाई दस गोल्ड मेडल की जर्नी देख ली कि आठ गोल्ड मेडल मिले टीम इवेंट में और दो मिले इंडिविजुअल कैटेगरी में बाकी मेडल्स भी तो देख लेते हैं बाकी इंडिया की कैसी क्या परफॉर्मेंस रही तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल ठीक है फ़र्स्ट इंडिविजुअल मेडल जो इंडिया ने जीता फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल वो के जाधव जी के लेके आए कौन लेके आए के जाधव ठीक है केडी जाधव जी के लेके आए कब लेके आए ये लेके आए थे ब्रॉन्ज मेडल ध्यान रखना गोल्ड नहीं लेके आए थे गोल्ड होता तो मैं आपको बता देता ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे 1952 में हेलसिंकी में जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे जहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आई थी हमारी हॉकी की टीम तो हेलसिंकी में लेके आए थे है ना हेलसिंकी में और किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में लेके आए थे तो जो रेसलिंग होती है ठीक थे है रेसलिंग में लेके आए थे ये देन अगर हम बात करें नाइनटीन की बात है देन इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी सिक्स एक सेकेंड चार और का चारा, चार चौरासी जाएगा देन अट्ठासी देन बानवे देन छियानवे छियानवे में आया था ठीक है 1996 में 1996 में लियांडर पेस लियांडर पेस ने ब्रॉन्ज जीता था और अभी आपको पता होना चाहिए अगेन ये करेंट अफेयर्स रिलेटेड हैं लियांडर पेस एंड विजय अमृतराज इन दो लोगों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है रिसेंटली वेरी इंपॉर्टेंट लियडर पेस और विजय अमृतराज इक्कीस को सी डी एस का एग्जाम होने वाला हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए लियंडर पेस एंड विजय अमृतराज अभी आपने नाम सुन रखा होगा सुमित नागल जी का जिन्होंने अभी मॉन्टे कार्लो में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया ठीक है और मतलब बैक टू बैक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और वो अपनी टॉप रैंकिंग पे भी हैं एटीथ रैंकिंग पे हैं लेकिन इससे भी अच्छी रैंकिंग विजय अमृतराज अचीव कर चुके हैं आई थिंक वो टॉप थर्टी में आ चुके हैं विजय अमृतराज जी तो विजय अमृतराज और लियांडर पेस को अभी जो है उनको उसमें इंक्लूड किया गया तो ध्यान रखिएगा देन इन द ओलंपिक्स ऑफ टू थाउजेंड यह हुआ था सिडनी में ये भी इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये जो सिडनी में ओलंपिक्स हुआ था यहाँ पे यहाँ पर कर्नम मल्लेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन कर्नम मल्लेश्वरी बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन अ मेडल एट ओलंपिक्स कौन सा मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीता किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उसी से जिससे हमारी मीराबाई चानू जी एसोसिएटेड हैं देट लिफ्टिंग के डी यादव रेसलिंग इन्होंने वेट लिफ्टिंग रेसलिंग मतलब कुश्ती है ना वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता कर्नम मलेश्वरी जी ने चौवन किलो भार वर्ग अगर कभी पूछ ले क्योंकि पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है फिर अस तो फिफ्टी फोर के जी कैटेगरी में इन्होंने जीता ठीक है देन आते हैं 2004 के अगले वाले ओलंपिक्स में देख लेते हैं क्या करके क्योंकि आपसे पूछ सकता है अगले पेज जाने पर पे रुक क्यों जाता है दो पे अगर हम बात करें टू में तो जो अभी आपके मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर यूथ मिनिस्टर राजवर्धन सिंह राठौर इन्होंने जीता सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल मेंस डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट में लिख नहीं रहा हूं ठीक है बट सुन के रखना सो so दैट अगर पूछ ले तो आपको पता हो यार लिखना हो तो लिख सकते हो मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में इन्होंने जीता था यह कहां पे हुआ था यह वहीं हुआ था जहां पहला ओलंपिक गेम्स हुआ था दैट इज एथेंस ग्रीस में हुआ था यह ठीक देन आते हैं 2008 में अभी मैं आपको बता चुका हूँ 2008 का कहाँ पे हुआ था बीजे में हुआ था और इसमें हमारे अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड मेडल लेके आए थे ठीक है अभिनव बिंद्रा एंड गोल्ड ठीक है मैं ज़्यादा यहाँ पर डीप में नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज उनका हम देख चुके हैं अभिनव बिंद्रा जी का ठीक है देन इन द ईयर टू ओनली ही हमारे विजेंद्र सिंह जी जानते हैं विजेंद्र सिंह को नहीं जानते हैं चलो थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं अभी कुछ दिन पहले की बात है एक दिन सोने गए और फिर उनको एकदम से सपना आया ठीक है इनके अंतर आत्मा जाग उठी और इनकी अंतर आत्मा ने बोला कि तुम यहाँ कांग्रेस में क्या कर रहे हो बीजेपी में भाग के जाओ तो ये बहस सो सो के उठे और बीजेपी में शामिल हो गए <laughs> तो ये वो विजेंद्र सिंह है जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं तो विजेंद्र सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ठीक है ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने और आपको पता है ये किससे एसोसिएटेड है आपके ये जो बॉक्सिंग होती है मिडिल वेट जो बॉक्सिंग होती है ना मिडिल वेट बॉक्सिंग उससे एसोसिएटेड है टू के ये मेडल्स हैं हमारे क्लियर है यहाँ तक अब हम एक एक करके देख लें किसने क्या मेडल जीते उतना इंपॉर्टेंट नहीं कब जीता जैसे सुशील कुमार जी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं सुशील कुमार जी ये एकमात्र अभी तक ऐसे मेल प्लेयर हैं मेल प्लेयर हैं जिन्होंने जिन्होंने दो मेडल जीते ओलंपिक में एक तो ब्रॉन्ज जीता इन्होंने और एक इन्होंने सिल्वर जीत रखा है ठीक है सिल्वर जीता तो 2012 में लंदन ओलंपिक्स में ठीक है और एफ एम नॉट रंग दो के ओलंपिक में ही इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2008 में ब्रॉन्ज जीता था 2012 में सिल्वर मेडल लेके आए थे ये अब आप ये समझ लीजिए ये बंदा अभी जेल में है ठीक है मर्डर चार्जेस में तो वही है कि मतलब यहाँ से आपको सीख लेनी चाहिए कि अगर आप गुस्सा काबू में नहीं रखे तो आप अर्श से फर्श पर आ जाएंगे और शांत रह के अगर अपना काम करते रहेंगे तो काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि अब आप देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौर सिर्फ सिल्वर मेडल जीते हैं आ, मंत्री हैं विजेंद्र सिंह पॉलिटिक्स में अच्छा खासा मतलब इन्वालमेंट है सुशील कुमार अभिनव बिंद्रा ओलंपिक्स की तरफ से इनवाइट किए गए टॉर्च प्लेयर के तौर पे और ये कहाँ पे हैं जेल पे क्यों गुस्सा क्योंकि एक लोगों से इनकी लड़ाई हो गई अखाड़े में जो भी था मैटर तो वो सब वायरल हो गया और ये इनको भी जो है जेल काटनी पड़ रही है जबकि एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं ठीक है दो दो मेडल जीत के लाए हैं दो मेडल हमारी पी वी सिंधु जी भी जीत के लाई हैं ठीक है एंड शी इज़ दी ओनली फीमेल टू विन द टू मेडल्स इन ओलंपिक्स इसी ओलंपिक्स में ही अब मैं लंडन ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ लंडन ओलंपिक्स भी हमारे लिए बहुत अच्छा था टोक्यो से के बाद अगर कोई सबसे अच्छा ओलंपिक्स हमारे लिए था तो वो लंडन का ओलंपिक्स था जहाँ पे विजय कुमार ने सिल्वर जीता ठीक है साइना नेहवाल बिकम द बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन दी या फिर फर्स्ट इंडियन टू विन दी मेडल इन दी बैडमिंटन इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल लंडन ओलंपिक्स यहाँ पे सब लंडन की बात कर रहा हूँ मैं अब ठीक है ब्रॉन्ज इन्होंने जीता जो दो हज़ार बारह में हुए थे तो, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन बिकेम दी फर्स्ट इंडियन फर्स्ट या फिर फर्स्ट इंडियन आप बोल दो टू विन अ मेडल इन टू विन अ मेडल इन बैडमिंटन इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए कुछ ही दिन पहले हमने देखा था परसों वाली क्लास में आई थिंक देखा था ठीक है और एक है हमारे एक है हमारी मैरी कॉम जी मैरी कॉम इन्होंने बॉक्सिंग में फर्स्ट इंडियन विमेन क्योंकि ये तो ला चुके ना विजेंदर सिंह तो फर्स्ट इंडियन विमेन टू तो विन आ, 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 मेडल इन दी बॉक्सिंग कर्नम मलेश्वरी ध्यान रखिए उन्होंने उसमें जीता था वेट लिफ्टिंग में भारत तोलन में जीता था उन्होंने मैरी कॉम जो है इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल ठीक है ब्रॉन्ज मेडल जीता मणिपुर से बिलोंग करती हैं और इसी वजह से यही कारण है कि क्यों उन्होंने शेफ डेमिशन से वो कर गई ठीक है तो फर्स्ट इंडियन विमेन ठीक है फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन मेडल इन वॉट इन बॉक्सिंग तो मैरी कॉम का नाम याद रखिएगा इसी पर्टिकुलर में ही योगेश्वर दत्त ठीक है योगेश्वर दत्त ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता इसी में ही गगन नारंग जो शूटिंग से एसोसिएटेड है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता तो देख सकते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस गगन नारंग ने भी क्या जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता तो दो सिल्वर और चार ब्रॉन्ज तो छः मेडल जीते थे छः मेडल जीते थे हमने इसमें जो लंडन ओलंपिक्स हुए थे इस सारे किसके हैं आपके ये हैं आपके लंडन ओलंपिक्स 2012 में जो हुआ था लंडन जो 2012 में हुआ था ये उसका परफॉर्मेंस है देन आते हैं रियो आ, हो कॉमनवेल्थ आ गए क्या इतनी जल्दी चलो भैया तक किसी कोई डाउट तो नहीं है तब तक मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और स्लाइड ऐड करने के लिए किसी ने मुझे कुछ बताया था कोई शॉर्टकट होता है लेकिन मुझे वो याद नहीं है क्या शॉर्टकट होता है कि वो बिना ऐसे किए हुए ही ऐड हो जाता है आई थिंक कंट्रोल एच या कंट्रोल एम कुछ होता है पता नहीं किसी के कोई डाउट तो नहीं आता आगे बढ़ें एस अगेंस्ट ऑट्स ना 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 वो तो साइना नेहवाल की है प्लेइंग टू विन है प्लेइंग टू विन है दिपवानशु घोस्प एस अगेंस्ट ऑट्स सानिया मिर्जा की है सानिया मिर्जा नहीं जीती कुछ नहीं सानिया मिर्जा, मिर्जा ने नहीं जीता सानिया मिर्जा ने पीछे वालों को दिल खुश किया खैर आगे बढ़ते हैं और मतलब कि उन्होंने परफॉर्मेंस तो दिया लेकिन ओलंपिक से मेडल नहीं जीत पाए मेरे कहने का मतलब ये है और अगर हम बात करें टेनिस में तो टेनिस में जो है हमारा जो मेडल लेके आए वो लियंडर पेज जी लेके आए ठीक है जिनको अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया आगे बढ़ते हैं ये वाले हो गए हमारे अब किस पे आना है रियो ओलंपिक्स पे, ठीक है रियो ओलंपिक्स 2016, ये हमारे लिए काफ़ी ख़राब ओलंपिक्स रहा रीज़न कि सिर्फ हम दो मेडल जीत के दो मेडल कौन लाई सिर्फ हमारी विमेन लाएं ठीक है तो ये वेमेन एम्पावरमेंट का काफ़ी एक अच्छा उदाहरण जी, जीता जागता उदाहरण है कि मतलब रियो ओलंपिक्स में इतने सारे मेन जाते हैं विमेन जाते हैं लेकिन मेडल लेके कौन आया और वो भी लास्ट में मेडल आए थे अगर आपको याद हो एक तो आई थिंक सेकेंड लास्ट डे फिर लास्ट डे आया था पी सिंधु जी का ठीक है पी सिंधु जी का आया था और आखिरी दिन आया था अगर आपको याद हो मैंने वो मैच देखा था ना इसमें याद है साक्षी मलिक वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था और फाइनली हम जीत गए और एटलीस्ट दो मेडल इंडिया को सिक्योर हुए नहीं तो फिर वो भी दिक्कत हो जाती क्या बैच की चलो तो अगर हम बात करें पीवी सिंधु और साक्षी मलिक तो पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था और साक्षी मलिक और कैरोलिना मारिन इनको हराया था इनकी और कैरोलिना मारिन के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक चलती रहती जब भी मैच अगर इनके साथ हो तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा शाउटिंग होती है मैच में साक्षी मलिक ने जीता था हमारा जो अभी आपने देखा होगा वो प्रोटेस्ट चले थे ना वो ब्रजभूषण पांडे के खिलाफ तो साक्षी मलिक भी उसमें इंक्लूडेड थी तो इन्होंने साक्षी मलिक जी ने ब्रॉन्स जीता था तो मतलब हमारी विमेंस ने हमारा नाम रोशन किया था रियो ओलंपिक्स में जो कि हमारे लिए अच्छा ओलंपिक्स नहीं रहा था सिर्फ हमने दो ही मेडल जीत पाए थे बट एटलीस्ट हमारी महिलाओं ने हमारा सम्मान थोड़ा सा रख लिया इसके बाद जो हमारा टोक्यो ओलंपिक्स हुआ उसकी अगर चर्चा कर लें ठीक है यहीं पर कर लें या फिर आगे आगे कर लेते हैं तो टोक्यो ओलंपिक्स की अगर हम चर्चा करें तो टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेडल जो हमारे दिलाया अगेन विमेन मीरा भाई चानू पहले ही दिन एकदम खाता खोला मीरा भाई चानू जी ने सिल्वर मेडल दिला के ठीक है समझ आता ना सिल्वर <laughs> उसे तो केमिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं तो लिखना नहीं चाहिए है ना सिल्वर ही लिखते हैं तो सिल्वर मेडल जीता मीरा बाई चानू जी ने देन हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल जीता लवलीना बॉर्गोहन ने ठीक है लवलीना बॉर्गोहन इनकी जो सिस्टर हैं वो सी में सर्व करती हैं लवलीना बॉर्गोहन और ये हैं आपकी सिल्वर मेडल आपका मीराबाई चानू और इनको मिला ब्रॉन्ज मेडल और किस में मिला बॉक्सिंग में आई होप अभी रिसेंट के इवेंट्स हैं तो आपको ये पता होंगे बट फिर भी लिख देता हूँ मैं ठीक है वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग लवलीना बॉर्गन और देन हमारा पीवी सिंधु ठीक है पीवी सिंधु जी ने कौन सा मेडल जीता ब्रॉन्ज मेडल जीता सिल्वर जीता था रियो में ब्रॉन्ज जीता अब देखते हैं होपफुली पेरिस में भी जीत जाए तो मज़ा आ जाए है ना तीन तीन ओलंपिक्स हो जाएंगे <laughs> ठीक है आज तक कोई मेल भी नहीं जीत पाया तीन तीन मेडल तो तो अगर ये जीत लेती हैं तो हो जाएगा ठीक है तो ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने पी वी सिंधु जी ने देन हमारे रवि दहिया जी ने सिल्वर मेडल लेके आए और आपने देखी थी फोटो कितने मतलब ना खुश टाइप लग रहे थे उनका ये कहना था कि ये गोल्ड नहीं मिला अगली बार गोल्ड के लिए टारगेट करूंगा और मतलब ऐसा लग रहा था ठीक है यार ये सिल्वर एल्वर तो आता रहता है रोज का ही तो ऐसा टाइप उनका नहीं अगर आपने देखा हो तो, तो रवि दहिया जी ने जीता इसमें रेस्लिंग में, में। लेकिन जो अभी रेस्लिंग फेडरेशन का सब चल रहा था ब्रजभूषण पांडे वाला तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे रवि दहिया जी ठीक है देन हमारी हॉकी टीम ने भी जीता उसके अलावा बजरंग पूनिया ने भी बजरंग पूनिया ने जीता कौन सा बजरंग पूनिया जी ने जीता ब्रॉन्ज़ मेडल जो कि आपके ये भी अच्छे खासा पार्टिसिपेट कर रहे थे मेन विनेश फोगाट थी और साक्षी मलिक थी और बजरंग पूनिया जी थे है ना देन अगर हम बात करें और इस बार आई थिंक क्वालिफाई नहीं कर पाई ओलंपिक्स के लिए हमारे नीरज चोपड़ा जी ठीक है नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लेके आए वो हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा कैसा क्या है एंड uh, हमारी हॉकी टीम है ना हॉकी टीम 1980 के बाद ही हमें कोई मेडल मिला आप जाके हॉकी टीम ने हमारी जीता कौन लीड कर रहा था हॉकी टीम को तो ये हमने जीता ब्रॉन्ज मेडल तो हमारे कितने मेडल हो गए टोक्यो ओलंपिक में एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन मेडल्स हमें मिले टोक्यो ओलंपिक्स में होपफुली इससे ज़्यादा हम रिसीव करेंगे अपकमिंग पैरिस ओलंपिक्स में क्लियर यहाँ तक आई होप किसी को डाउट वगैरह तो नहीं होगा अभी आते हैं यहाँ पे आ, किसको डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कंडक्टिंग एजेंसी है तो इंडिया में आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक जो संघ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये रिस्पॉन्सिबल है पूरा ओलंपिक्स वगैरह के लिए ना सिर्फ ओलंपिक्स के लिए बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है और एशियन गेम्स के लिए भी एंड इसकी अगर बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर ये भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं 1927 तभी मैं आपको करवा रहा हूँ और अभी रिसेंटली इसकी प्रेसिडेंट कौन है जो रिसेंटली बनी है पी टी, -टी जी और इसकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी और पहली ऐसी प्रेसिडेंट बनी हैं जो एक्चुअल में एक तरह से एथलीट हैं प्लेयर हैं ये ठीक है, है इन्होंने फोर्थ फिनिश किया था ओलंपिक्स में ध्यान रखिएगा ठीक है तो पी टी जी और हमारे मिल्खा सिंह ने भी फोर्थ फिनिश किया था ठीक है तो नाइनटीन में स्टैब्लिश हुआ था पी टी जी बाकी तो यहाँ पर होती है हमारी चीज़ें खत्म ओलंपिक्स को लेके किसी का यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद तो यही है ठीक है अच्छा आप ये बताइए अब से मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन कौन है हु इज़ दी मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन स्विमर है ये एक स्विमर है स्विमिंग करते हैं सबको आई थिंक नाम पता होगा कौन है ये हैं माइकल ठीक है माइकल फेल्प्स माइकल फेल्प्स फ्रॉम यूएसए इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन्होंने टोटल ट्वेंटी एट मेडल जीते हैं अट्ठाईस मेडल जीते हैं इन्होंने और इसमें से आई थिंक 23 गोल्ड ही हैं सिर्फ 23 गोल्ड हैं इफ़ एम नॉट रॉन्ग तो 28 मेडल जीते और 23 गोल्ड जीता है थोड़ा सा हो सकता है कदुका दुक्का ऊपर नंबर हो लेकिन मेरे हिसाब से तो सही है नंबर लेकिन आप ये एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि 23 गोल्ड मेडल इंडिया बीइंग मतलब इतना इतना बड़ा कंट्री है इतना बड़ा कंट्री है और फिर भी आज तक सिर्फ हम दस गोल्ड मेडल ले आ पाएँ एक अकेला बंदा एक अकेला इंसान तेईस गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने आज तक सिर्फ दस गोल्ड मेडल जीते हैं टीम इवेंट इंडिविजुअल इवेंट सब मिला के इसीलिए हम मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन बोलते हैं माइकल फ्लिप्स को जो कि स्विमर हैं ठीक आ जाए अभी कॉमनवेल्थ गेम्स पे सर अभी अभी है थॉमस बाच ठीक है करंट में मैंने लिखवाया है तो है आपको नहीं लिखवाया क्या करंट ओलंपिक प्रेसिडेंट है थॉमस बाच थॉमस बाच है करेंटली हाँ जलवा है हमारा यहाँ पे थॉमस बाच जी करंट ओलंपिक के करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अभी आ जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पे अब कॉमनवेल्थ गेम्स का भी अलग सीन चल रहा है आजकल बताते हैं क्या सीन चल रहा है पहले तो 1930 में ये स्टार्ट होता है 1930 में स्टार्ट होता है कॉमनवेल्थ जिन लोगों को नहीं पता है कॉमनवेल्थ जो नेशंस होते हैं उनके बीच में कंडक्ट किया जाता है कॉमनवेल्थ वो नेशंस हैं जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनी थी जैसे कि इंडिया ब्रिटिश के अंडर में तो, था ऑस्ट्रेलिया था साउथ अफ्रीका था कैनाडा था तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं कॉमनवेल्थ में कॉमनवेल्थ में खेलती हैं इंक्लूडिंग ब्रिटेन इंक्लूडिंग ब्रिटेन जिसने कि सबको कॉलोनाइज किया था तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं कॉमनवेल्थ की जो कंट्री इसमें खेलती हैं और सिर्फ यही कंट्रीज़ खेलती हैं तो 1930 में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में और इसमें विंटर और समर करके कुछ नहीं होता है ठीक है हैमिल्टन कनाडा में हुए थे तो और एक चीज़ अगर आपसे पूछ ले कि क्या क्रिकेट इंक्लूडेड है ओलंपिक्स में नो ठीक है क्रिकेट ओलंपिक्स में इंक्लूडेड नहीं है ध्यान रखिएगा कॉमनवेल्थ में है क्या कॉमनवेल्थ में वेमेंस वाला तो है लेकिन मेंस वाला नहीं है और हाँ ये बात चल रही है और ऑलमोस्ट ये डन है ध्यान रखिएगा अगर पूछ ले कि क्रिकेट ओलंपिक में कब इंक्लूड होगा तो ये जो आपका अभी तो वहाँ पे हो रहा है 2024 वाला यहाँ पे हो रहा है दो हज़ार अट्ठाईस वाला जो होगा ना लॉस एंजलिस में वहाँ पे चांस वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट डन है कि क्रिकेट को भी इंक्लूड किया जाएगा ओलंपिक्स में 2028 से कॉमनवेल्थ की बात करें तो वेमेंस तो पार्टिसिपेट करती हैं पिछला वाला हुआ था वेमेंस का ठीक है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बट मेन का भी नहीं हो रहा है तो पहला हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में और ये 1942 सौ एंड 1946 में नहीं हुआ था वाज नॉट होस्टेड ड्यू टू अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज नॉट होस्टेड ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसकी वजह से नाइनटीन में और 46 में नहीं हुआ था नहीं तो तब से हो रहा है 1930 से लेकर नाइनटीन थर्टी से लेकर 1950 के बीच में इसको हम बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बाद में इसके नेम चेंज होते रहे और अभी ये कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है ठीक है बट ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से कब से कब तक जाना जाता था अब क्या यहाँ पर लफड़ा चल रहा है उसको ध्यान से समझो पिछला वाला जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स जिसमें इंडिया ने फोर्थ फिनिश किया था वो दो में हुआ था ये हुआ था बर्मिंगम यूके में कहाँ हुआ था बर्मिंगहम यूके में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में इंडिया फिनिश्ड फोर्थ यूजुअली इसमें ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे रहता है ठीक है तो इंडिया ने फोर्थ फिनिश किया था इस पर ठीक अब लफड़ा ये चल रहा है कि 2026 में कौन होस्ट करेगा अभी कुछ पता नहीं है दो साल बाद कौन होस्ट करेगा ये नहीं पता है होस्ट करने वाला था पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में जो पड़ता है उसने मना कर दिया हम ना कर पाएंगे बाद मना कर दिया फिर क्वींसलैंड को बोला गया जो ऑस्ट्रेलिया में उसने बोला हम भी ना कर पाएंगे तो अब ये पहले फिर बात आई कि क्या इंडिया होस्ट करेगा इंडिया होस्ट कर सकता है लेकिन अभी भी कोई सर्टेन नहीं है तो ये चांसेस हैं कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आफ्टर दी डेथ ऑफ़ क्वीन एलिजाबेथ दी सेकेंड जो 2026 में होने वाले हैं वो शायद पोस्टपोन हो जाए और ये तीसरी बार ऐसा होगा 1942 और 46 के बीच कि कोई कॉमनवेल्थ गेम देखने को नहीं मिलेगा अगर अभी तक भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वही अगले साल तक अगर नहीं फाइनल हो पाता है, तो तो फिर पोस्टपोन ही समझिए क्योंकि प्रपरेशन वगैरह भी तो करनी होती हैं 2010 में इंडिया ने होस्ट किया था और घूस भी तो खाना होता है तो ये मतलब कहा जाता है कि 2010 में कायदे से जो है यहाँ पे करप्शन चला था 2010 थाउजेंड टेन वॉज द ईयर वेन इंडिया होस्टेड दी कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया ने होस्ट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स को द ओनली टाइम हो सकता है कि 2026 में इंडिया होस्ट करे ले, लेकिन बहुत ही कम चांसेस मुझे लगते हैं ठीक है थीके? तो क्योंकि प्रिप्रेशंस भी करनी होती हैं करप्शन भी करना होता है तो इंडिया होस्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स इन द ईयर टू और ये इंडिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आई थी इंडिया फिनिश्ड सेकेंड इंडिया सेकेंड आया था पिछले वाले में हम फोर्थ आए थे और 2010 में जो हुए थे तो उसमें हम सेकंड आए थे तो वो हमारी सबसे बेस्ट रैंकिंग में से एक थी क्लियर इतनी चीज़ सबसे ज़्यादा बार किसने होस्ट किया मोस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स तो सब मोस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है कितने बार पांच बार होस्ट किया है एंड एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसका हेड कौन होता है जैसे कि प्रेसिडेंट होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का तो कॉमनवेल्थ का हेड होता है जो इंग्लैंड का हेड होता है इंग्लैंड का हेड कौन है इस समय किंग चार्ल्स द थर्ड है किंग चार्ल्स द थर्ड है तो वो हेड होगा ठीक है और ये क्वीन एलिजाबेथ दी सेकेंड की डेथ के बाद पहले कॉमनवेल्थ uh, गेम्स होंगे अगर होंगे दो में तो ठीक है और किंग चार्ज द थर्ड हमें पता है कि एक क्वीन और किंग का सिस्टम चलता है यूके में इसी वजह से यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक एंड दैट्स वाई से कि इंडिया इज अ रिपब्लिक क्योंकि यहां पर इलेक्टेड हेड होता है प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्टेड होता है बट यूके इज़ नॉट अ रिपब्लिक ठीक है तो ये हो गया हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके कि पहले कब हुए थे रिसेंट कब हुए थे अगले वाले कब कैसा क्या है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसमें हमें इतना जानने की जरूरत है अभी आते हैं एशियन गेम्स पे जिनको कि हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं इनको हम एशियाड के नाम से भी जानते हैं इनको कौन हेल्ड दीज आर हेल्ड बाई दीज आर हेल्ड बाई ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओलंपिक काउंसिल ऑफ जो एशिया है इनको हेल्ड मतलब होस्ट करता है सबसे जो पहले एशियन गेम्स हुए थे वो इंडिया में ही हुए थे 1951 में इंडिया ने होस्ट किया था इनको देन इन द ईयर नाइनटीन एटी टू अगेन इंडिया होस्टेड ऐसा नहीं कि उसके बीच में हुआ नहीं मैं बता रहा हूँ कि इंडिया ने कब कब होस्ट किया तो इंडिया ने ओलंपिक कभी होस्ट नहीं किया कॉमनवेल्थ दो हजार दस में होस्ट किया एशियन गेम्स दो बार होस्ट किया नाइनटीन फिफ्टी वन में एंड नाइनटीन ऐटी टू में होस्ट किया जो रिसेंट हुए थे दो हजार बाईस वाले टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वाले वो हुए थे हांग जाऊ ठीक है हांग जाऊ चाइना में हुए थे और जो अगले वाले होंगे दैट इज 2026 वाले होंगे क्योंकि चार साल के गैप में ही सारे इवेंट्स होते हैं ये ये होंगे नगोया जापान में कहाँ पे होंगे नगोया जो है नगोया प्रोटोकॉल भी अभी हम लोगों ने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा वहाँ पे हम पढ़ेंगे नगोया प्रोटोकॉल हुआ था रि, विद रिस्पेक्ट टू तो एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स ये क्वेश्चन भी हो सकता है सीडीएस जो आपका अभी होने वाला संडे को उसमें भी हो जाए तो एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज को लेकर नगोया प्रोटोकॉल हुआ था जापान में जापान में एक मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ था मरकरी पॉइजनिंग को रोकने के लिए ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ये पता नहीं एम टी एस में एम टी एस में पूछा गया था आई थिंक इफ एम नॉट रॉन्ग अभी जो रिसेंट हुआ था या फिर पूछा तो गया था आई थिंक एमटीएस में से पूछा गया था या फिर एसएससी जीडी जी डी मैंने एम टी ए था ये क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा बार होस्ट किसने किया मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होस्ट किसने किया इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एशियन गेम्स के रिस्पेक्ट में तो सबसे ज्यादा बार होस्ट किया है ध्यान रखना थाईलैंड ने थाईलैंड ने इसको चार बार होस्ट किया है और अगर हम बात करें थाईलैंड और बात करें इसके बाद इसके बाद साउथ कोरिया ने होस्ट किया है इंडिया ने दो बार होस्ट किया चाइना ने भी दो बार ही होस्ट किया चाइना ने भी दो बार होस्ट किया है साउथ कोरिया ने तीन बार होस्ट किया है यहाँ पे ये होता है हमारा ख़त्म यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स में किसी कोई डाउट तो नहीं है कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में सर कॉमनवेल्थ में अभी तो फिफ्टी सिक्स हैं ठीक है कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस में टोटल फिफ्टी सिक्स कंट्रीज़ है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में ठीक है फिफ्टी सिक्स कंट्रीज़ आती हैं कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस में सारी वीडियो हाइड क्यों करते हो प्लीज़ सर रिप्लाई क्योंकि ये बैच की वीडियोज़ हैं इसलिए हाइड हो जाती हैं क्योंकि बैच की वीडियोस हैं फ्री मतलब लाइव स्ट्रीम में कर देता हूँ यूट्यूब पे सो दैट अगर किसी का कोई एक टॉपिक छूटा हुआ मान लो किसी का एक टॉपिक छूटा हुआ है ये वाला उसको कवर करना है तो उसके लिए उसको बैच लेने की जरूरत नहीं है वो यहीं से लाइव आके कर ले क्लास पहले शेड्यूल हो जाती है तो उसको पता चल जा जाता है कौन सा टॉपिक होने वाला तो है।, हो तो है।, तो है तो पहले लाइव वो यहाँ से कर सकता है उसके लिए उसको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है ये पर्पज़ है यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने का ठीक है अभी आ जाते हैं क्रिकेट पर क्रिकेट और फुटबॉल देखेंगे वाले बस फिर हमारा टॉपिक फिर आज का लेक्चर खत्म क्रिकेट की अगर बात करें तो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो ये गवर्निंग बॉडी कौन सी है इसकी तो गवर्निंग बॉडी कौन सी है गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आई इसका हेडक्वाटर कहाँ लोकेटेड है बताएंगे कोई ऐसी कंट्री में जिसका बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं क्रिकेट से उतना ऐसी कंट्री जहाँ पे अभी बाढ़ आई रखे बाढ़ आई पड़ी है ये है आपका दुबई में इसका है दुबई जो कि पड़ता है यू में अबू धाबी इसकी कैपिटल है ना कि दुबई ध्यान रखिएगा ठीक है तो दुबई यू आई में इसका हेड क्वार्टर है जहाँ पे बाढ़ आई पड़ी है रीजन मैं आपको जोग्राफी में समझाऊंगा क्यों बाढ़ आई पड़ी है उसके पीछे का रीज़न क्लाउड सीडिंग है क्लाउड सीडिंग ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्लाउड सीडिंग क्या होती है तो क्लाउड में क्या होता है सिल्वर आयोडाइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं सो दैट क्लाउड जल्दी से फॉर्म हो और बारिश करवाएं तो इसकी वजह से इन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया यहाँ पे खैर तो गवर्निंग बॉडी आपकी आई सी सी है हेडक्वार्टर का कहाँ पर लोकेटेडेड दुबई यू में अब बात आती है इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है पहला टेस्ट मैच कब हुआ था फर्स्ट टेस्ट मैच या तो यहाँ पे लिखते हैं तो ज़्यादा फर्स्ट फर्स्ट करके समझ में आएगा ठीक है फर्स्ट टेस्ट मैच कब हुआ पहला टेस्ट मैच फर्स्ट ओ मैच कब हुआ तो ध्यान रखिएगा जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो 1877 में अट्ठारह में हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था इंग्लैंड में ही हुआ था ये पहला टेस्ट मैच की बात कर रहा करूँ पहला ओडीआई मैच भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में हुआ था 1971 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड ये इंग्लैंड में नहीं ऑस्ट्रेलिया के एम ग्राउंड में दैट इज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था ये इंग्लैंड में ही हुआ था यह लॉर्ड्स क्रिकेट अस्ट, स्टेडियम में पहला ओ मैच 1971 अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट चीज़ एंड दैट इज फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था फर्स्ट ओ क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है टी भी डिस्कस कर लेंगे लेकिन ये ओ वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा तो फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब हम इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे मैं लिखूंगा विमेन ऊपर और नीचे लिखूंगा मैन क्यों क्योंकि मैं फेमेनिस्ट हूँ इसलिए नहीं <laughs> क्योंकि वेमेन का पहला हुआ था इन द ईयर 1973 1973 में समझ रहे हैं आप और मेन का हुआ था 1975 1975 में यानी कि मेन का बाद में हुआ था वेमेन का क्रिकेट वर्ल्ड कप पहले हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड में जीता भी था इंग्लैंड ने यह हुआ था इंग्लैंड में जीता भी था इंग्लैंड ने 1975 वाला भी हुआ था इंग्लैंड में एंड विनर था यहाँ पे विनर था हमारा वेस्ट इंडीज़ वही वेस्ट इंडीज़ जो अगला वाला भी वर्ल्ड कप जीता वही वेस्ट इंडीज़ जो रिसेंट 2023 वर्ल्ड कप में जगह बनाने में ही नाकाम हो गया ये हालत है आजकल वेस्ट इंडीज़ की पता नहीं क्या मतलब कैसा क्रिकेट बोर्ड है इनका मतलब हालत एकदम इतनी बढ़िया टीम है लेकिन फिर भी है ना इतने बढ़िया देखो सुनील नारायण <laughs> बॉलर हैं शतक मार देते हैं इनका कुछ भरोसा है क्या वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का कब किसका मूड सनक जाए यहाँ का लास्ट तक जब याद है तो मैं कार्लोस ब्रेथवेट ने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जब बेन स्टोक्स को जब छक्के छके मारे थे लास्ट <laughs> तो इनके बोलर्स भी इतने तगड़े हैं क्योंकि okay, वो अपने वही अपने आप में बैट्समैन है तो लेकिन फिर भी आप देखिए कि उनको जगह ही नहीं मिल रही क्योंकि उनको वही ना परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे हैं ठीक है खैर अब इस पर हमें नहीं जाना है ठीक है तो 1975 में हुआ था पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप अब यहाँ पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछता है जैसे कि इंडिया ने कब कब जीता इंडिया ने कब कब होस्ट किया तो इंडिया ने इंडिया वॉन टू टाइम्स इंडिया वॉन टू टाइम्स दो बार जीता 1983 1983 में कपिल देव जी की कैप्टनसी में जो आजकल कमला पसंद बेच रहे हैं और 2011 में एमएस धोनी की कैप्टनसी में जो कि आजकल जुआ खिलवा रहे हैं और जो कि आजकल कोयल की तरह <laughs> बोल रहे हैं ना साइकिल बेच रहे हैं तो ये 1983 और 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीते थे देन इसके बाद इंडिया की अगर बात करें होस्ट इंडिया ने होस्ट कप किया तो इंडिया ने 1987 अब इस तरह से याद रखो इसको कि हमने जीत लिया 1983 में तो इनको आई सी सी एलों को यार टीम तो सही है अब इन्होंने जीत लिया तो इनके इनके कंट्री में वर्ल्ड कप तो करवाना ही चाहिए हमें तो 1987 में वर्ल्ड कप हुआ देन 1996 में वर्ल्ड कप हुआ देन 2011 में वर्ल्ड कप हुआ देन टू में रिसेंटली होल्ड किया अब इन तीन वाले वर्ल्ड कप जो है हमने किसी कंट्री के साथ मिलकर शेयर मिल, मिल मतलब होस्ट किया एंड इट वॉज दी ओनली ओनली क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया ने अकेले होस्ट किया किसी और कंट्री के साथ शेयर करके होस्ट नहीं किया जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 1987 में 1987 में ये हमने पाकिस्तान के साथ मिल के होस्ट किया मतलब यहाँ पे आप ये समझ लो इंडिया प्लस पाकिस्तान यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका भी साथ में था और यहाँ पर अगर बात करें टू में तो श्रीलंका प्लस बांग्लादेश था यहाँ पे ओनली इंडिया ओनली इंडिया ठीक है सिर्फ इंडिया होस्ट करने वाला 2027 में कहाँ होंगे 2027 में कहाँ पे होंगे तो 2027 में होंगे साउथ ये जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसके जो हमारे तीन देश हैं वो तीन देश कौन कौन से हैं एक तो साउथ अफ्रीका है जिम्बाब्वे है वही जिम्बाब्वे जिसको कि पाकिस्तान हरा के खुश होता रहता है और नामीबिया है ठीक है तो ये हमारे तीन जो है देश होस्ट करने वाले हैं किसका क्या डाउट है वो भी फुटबॉल वाला भी करेंगे ठीक है तो 2027 में होस्ट करेगा ये तो क्रिकेट में ये हो गया हमारा ये हो गया इंडिया ने कब होस्ट किया इंडिया ने जीता कब हाँ सबसे ज्यादा बार किसने जीता और हाँ एक चीज और 2032 में फिर से इंडिया होस्ट करने वाला है <laughs> क्योंकि आपको पता है इंडिया ही पूरा कंट्रोल कर रहा है इस समय जो बी है उसी का पूरा कंट्रोल है आईसीसी में जिस तरह चाइना यूनाइटेड नेशन को इस समय कंट्रोल में ले रखा है उसी तरह बीसीसीआई ने ले रखा है इसी को पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है भाई ठीक है टू थाउजेंड थर्टी टू में इंडिया होस्ट करेगा मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप किसने जीते हैं मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप जीते ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो दो हजार तेईस में जीता वो इसका सिक्स वर्ल्ड कप था छठवा वर्ल्ड कप था इससे पिछला वाला इंग्लैंड ने जीता था उससे पिछला उसके पिछले देखो अभी दो हजार तेईस में दो हजार उन्नीस में हुआ था तो वो इंग्लैंड ने जीता था दो हज़ार इससे कहा चौदह में चौदह वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था दो हज़ार ग्यारह वाला इंडिया ने जीता था और इसके पुराने जितने तीनों हैं पुराने जो तीनों हैं तीनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे ठीक है उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है दो बार शुरू का वेस्ट इंडीज़ ने जीता तीसरी बार जीता तीसरा वाला इंडिया ने नाइनटीन में चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ने देन पाकिस्तान ने एक बार जीता है पाकिस्तान ने एक बार इंग्लैंड ने एक बार जीता है वेस्ट इंडीज़ ने दो बार इंडिया ने दो बार ऑस्ट्रेलिया छः बार ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है यहां तक होप सबको क्लियर होगा बड़े फुटबॉल की ओर चलो भाई बढ़ते हैं सॉरी 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 फुटबॉल की ओर कैसे बढ़ सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉम्पोनेट छूट रहा है एंड दैट इज रिगार्डिंग मेंस का जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होता है और एक चीज ये तो मैंने वेमेंस वाला बता दिया ना कि वेमेंस वाले में वेमेंस वाला जो हुआ था आपका नाइनटीन में हुआ था पहला वाला और उसको जीता किसने उसको इंग्लैंड टीम नहीं जीता था जहां पे हुआ था वहीं पे जीता उसने ठीक है टी वर्ल्ड कप की अगर बात कर लें तो टी वर्ल्ड कप फर्स्ट एडिशन ठीक है फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका 2007 में, कहाँ पे हुआ था इन साउथ अफ्रीका जीता किसने आपको पता है एंड श्री शांत टेक्सिका श्रीचंद बॉलिंग कर रहे थे ठीक है शीशन बॉलिंग कर रहे थे वो जोगिंदर सिंह ने आई थिंक कैच लिया था ना तो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था और वॉन किस विनर कौन था इंडिया या अभी भी याद है आई थिंक वो 2011 का जो वर्ल्ड कप जीता था है ना तो चक दे चक दे इंडिया करके वो गाना भी आया था तो पूरा एकदम बस बस में है ना सुबह से मैं एकदम तैयार बैठा हुआ था कि कब इंडियन टी वी खोल के एकदम सुबह से <laughs> अभी भी वो दिन याद है ठीक है तो वॉन इंडिया और वो याद धोनी का सिक्स भी याद है तो इंडिया वो सारे मोमेंट्स आपको अभी आपको भी याद होंगे है ना टू 2007 में होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने पहला एडिशन इंडिया ने इसको जीता था लेटेस्ट जो एडिशन हुआ था 2022 में हुआ था <laughs> 2022 में हुआ था टू थाउजेंड में हुआ था और जीता कौन था अगेन इंग्लैंड जीता था इसको ठीक है इंग्लैंड जीता था इसको और अगला वाला कहाँ पे होगा जो नेक्स्ट एडिशन होगा यानी कि इसी साल होगा दैट इज़ 2024 का जो होगा ये होगा आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में होगा ठीक है सबसे ज़्यादा बार इसमें इंग्लैंड जीता दो बार ठीक है मतलब दो सॉरी हाँ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ दोनों ने दो दो बार जीते हैं ठीक है इंग्लैंड ने इंग्लैंड प्लस वेस्ट इंडीज़ दोनों ने दो बार जीते हैं इंडिया ने एक बार जीता है ठीक है इंडिया ने एक बार वैसे तो ये क्वेश्चन पूछता नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा टी सबसे ज़्यादा ओडीआई वर्ल्ड कप में रन मारे हैं सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए ग्लेन मैग्रा ने साउथ अफ्रीका का प्लेयर है ग्लैन मैग्रा बोल देता हूँ लिखना चाहते तो लिख सकते हो उतना कभी मैंने क्वेश्चन देखा तो नहीं है सबसे ज़्यादा सचिन तेंदुलकर रन ग्लेन मैग्रा सबसे ज़्यादा विकेट टी ट्वेंटी में बात करें विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन और शाकिब अल हसन फ्रॉम बांग्लादेश सबसे ज़्यादा विकेट अभी आ जाते हैं लास्ट अपने इवेंट पे एंड दैट इज़ फुटबॉल फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है वो करवाता है कंडक्टिंग बॉडी है फीफा फीफा का फुल फॉर्म भी कभी कभी किसी किसी एग्जाम में मैंने ऑब्जर्व किया है तो फेडरेशन इंटरनेशनल चलो मैं लिख देता हूं फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन द फुटबॉल एसोसिएशन ये फीफा करवाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है हेड क्वार्टर इसका सारी है स्विट्जरलैंड में तो आई का है ये है इसका ज्यूरिच ऐसे याद कर लो जो रिच लोग होते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं जीवरिच स्विट्जरलैंड में ठीक है स्विट्जरलैंड में ही है लेकिन जीवरिच में है तो ऐसे याद कर लो कि जो रिच लोग होते हैं वो खेलते हैं जो पहला मैच है फर्स्ट मैच अब इंडिया का तो इसमें कोई है ही नहीं है ठीक है तो इंडिया का कुछ हम पढ़ेंगे ही नहीं यहाँ पे तो फर्स्ट मैच आपका हुआ था 1872 में इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड इस पर क्वेश्चन मैंने नहीं देखा जनरली स्पीकिंग फर्स्ट मैच पे लेकिन हाँ फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था फर्स्ट फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था ये कब हुआ था तो ये उसी साल हुआ था जिस साल आपका पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में हुआ था कहाँ पे हुआ था ये साउथ अमेरिका की कंट्री है यूरोगवे ने और जीता भी युगवे ही था ठीक है जीता भी यूरोगवे ही था और ये भी उसी दो साल नहीं हुआ जिस साल आपका कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुआ फोर्टी एंड फोर्टी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू ठीक है और सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स किसने जीता सबसे ज़्यादा बार जीता ब्राज़ील ने कितनी बार पाँच बार सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने छः बार ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार ये जीता और ब्राज़ील इज़ दी ओनली टीम जिसने कि 1930 से लेके जब इसे स्टार्ट हुआ फीफा वर्ल्ड कप तब से लेके जितने भी इवेंट हुए सब में पार्टिसिपेट किया इसने ठीक है एंड जो अगले वाले होंगे टू पिछले वाले सबको पता दो में कतर में हुए थे दोहा में और वो अर्जेंटीना ने जीता था अर्जेंटीना का थर्ड टाइटल था वो तीसरा टाइटल था तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं दो की अगर बात करें तो कैनाडा मैक्सिको और यूएसए ये तीन नॉर्थ अमेरिका की प्रोमिनेंट कंट्रीज तीन अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो यही तीन बड़ी कंट्रीज हैं ये होस्ट करने वाली टू सिक्स में यहां पे होती है हमारी चीजें खत्म ठीक किसी का कोई डाउट यहां तक कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन इसके ठीक है थैंक यू सभी को माहिर यादव बेटा यहाँ पे सब कुछ नहीं आ, क्योंकि कोमल भारद्वाज विजेंद्र सिंह अभी मिनिस्टर अगर ऐसा कुछ नहीं है ना मिनिस्टर ऐसा तो है नहीं अभी वो तो डिफिशन लग जाएगा मिनिस्टर होते तो डिस्कालीफाई होते ना सर क्या फुटबॉल पेड़ से खेला जाए जागा है फुटबॉल पेड़ से खेला जागा है ना ना पेड़ से कहाँ खेला जाता है ये जो है नाक से खेला जाता है नाक से माना तो टक 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 <laughs> कल हम लोग देखेंगे क्या कल काफ़ी चीज़ देखेंगे हम लोग एक तो देखो टर्म्स स्पोर्ट्स की जो टर्म्स हैं टर्मिनोलॉजी हो गई और जो आपके ट्रॉफीज होती है इसका पीडीएफ डी एफ शेयर कर दूंगा आपको जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप देख लीजिएगा बाकी कल के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं जैसे कि ये रेड कार्ड येलो कार्ड और डायमेंशनस हो गए एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स भी हम कर लेंगे ठीक है नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन इवेंट्स तो छोटे 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 जो चीज़ें होती हैं वो हम कल कर लेंगे आज हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स कर लिए और कल ही हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे ठीक है uh... क्वेश्चन है क्या ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का है कुवैत में ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कहाँ गया एशिया वाला हाँ ये तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो हेड क्वार्टर यहाँ पर चलो मैंने लिखा है इसका हेड क्वार्टर है कुवैत की जो कैपिटल सिटी है कुवैत सिटी में ठीक है तो कुवैत सिटी में इसका हेड क्वार्टर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का और कुछ कुछ डाउट फुटबॉल कहाँ से खेला जाता है फारबी सीरीज प्राय प्राइवेट रहने वाले नहीं प्राइवेट नहीं पब्लिक ही रहेगी मुकेश जी मैंने आपको बताया है इनके प्लेयर्स, इनके प्लेयर्स मैं समझा नहीं टोनी स्टार कैसे इनके प्लेयर्स मतलब हाउ टू स्केप फ्रॉम मैरिज घर वालों को थोड़ा सा ढांडस बढ़ा के रखो उनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के रखो तो बेवकूफ इन नॉट मतलब, गलत सेंस में। मतलब, इन देंस कि कि भाई अगर मतलब तो लड़कियों को ज़्यादा प्रेशर आता है ना तो लड़कियाँ ये बोल सकती हैं कि भाई थोड़ा रुक जाओ फिर दहेज नहीं देना पड़ेगा तुम्हें तो थोड़ा उनको भी लालच होगा ना घर वालों को भी लेकिन ऐसा नहीं कि उनको फ़ालतू में उसमें रखना है पढ़ाई भी करनी है ठीक है नहीं तो फिर कब तक बेवकूफ़ बनाओगे कल का टाइम सरिता जी सेम ही होगा सिक्स थर्टी सेम टाइम पे होगी बाल कॉग्रेचुलेशन सर थैंक यू हिंदी वालों के लिए कुछ करो क्या हिंदी वालों के लिए समझे नहीं इन्वेंसीबल आर्ट जी देखो नेशनल गेम्स नहीं कराऊंगा डेजी नेशनल गेम्स में नहीं कराऊंगा क्यों क्योंकि वो करंट अफेयर्स में देखेंगे सर वो करंट अफेयर्स के पर्पेक्टिव से हमें देखना है कौन सी टीम ने टॉप किया वो तो करंट अफेयर्स के लिए जो सी पी जो मैंने बताया पूरा शेड्यूल दिया था फार्मी में उसमें देखेंगे भाई वो अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे हम क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं वो स्टैटिक नहीं है अब अगली बार तुम्हारो मान लो पच्चीस में एग्जाम दोगे और कोई बच्चा ये वाला बैच लेता है तो तो गलत डेटा इफॉर्मेशन लोड कर लेगा ना अपने अंदर मेरे को फिर घर ही आएगा कि तुम तो महाराष्ट्र बताए थे टॉप में यहाँ पर तो रहे ना टॉप पे अच्छा ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट कोहली जी हो गए हैं क्या टॉप पे अभी देख लेना यार इस चीज़ को कि सचिन तेंदुलकर को आई थिंक रिप्लेस कर दिए हैं विराट कोहली कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू धर्मवीर वर्मा जी तुम धर्मवीर अच्छा ठीक है ये साथ में ये लिपस्टिक बनाने की क्या ज़रूरत थी भाई ये है? हैं कुछ गिफ्ट दीजिए सर फाइव हंड्रेड के पर गिफ्ट दें अच्छा गिफ्ट फाइव हंड्रेड के पर नहीं गिफ्ट मुझे पता है तुम क्या गिफ्ट मांग रहे हो तुम गिफ्ट मांग रहे हो कौन सा कोड वाला मांग रहे हो गया ना क्या परमार परमार सर परमारमार्टे से बिलोंग करते हैं <laughs> इसका मतलब है कि तुम लोगों कोई डाउट नहीं है तो चलो भाई मिलते हैं फिर कल है ना और एफ आर बी स्टार्ट होने वाला मंडे से एक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट तो चलिए थैंक यू सभी को गिफ्ट यार आ... <laughs> क्या गिफ्ट चाहिए <थी? laughs> कोड वाला ही गिफ्ट चाहिए वो तुम्हें तो अभी तो नहीं है देखते हैं बर्थडे के टाइम पे है ना फर्स्ट मे के टाइम फर्स्ट मे को अगर होता है तो है चलो नहीं तो फिर चलो ऐसा होगा नहीं होगा तो कल मैं दे दूंगा ठीक है और एक दिन के लिए ओपन कर दूंगा ठीक है कल तो फिर होता ही सही है ना कि यार काफ़ी लोग जिन्होंने चलो नहीं है अभी अभी के लिए कूपन कोड नहीं है ठीक है क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये होता है ना कि मतलब उन्होंने जैसे मान लो कल एनरोल किया बैच में तो उनको लगता है यार हमारे साथ धोखा हो गया एक एक दिन रुक जाते तो तो वो रिग्रेट में वो पूरे दिन जीते हैं वो फिर तो मैं नहीं चाहता हूँ रिग्रेट में कोई जिए हाँ लेबर डे वाले दिन देंगे है ना फेस अभी नहीं मुँह दिखाई वन मिलियन पे होगी भाई ठीक है पक्का वन मिलियन पे पक्का ठीक है रशियन क्या रशियन बटवाए सर पाँच सौ के पर क्यों नहीं रशियन क्या चाहिए रशियन चिप्स चाहिए कि रशियन वो रशियन कोल्ड ड्रिंक आती है वो चाहिए क्या चाहिए रशियन <laughs> रशियन पूरा तो लिख दिया करो रशियन मतलब तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए चिप्स चाहिए या फिर कोई कपड़े चाहिए रशियन क्या चाहिए हाँ रिविजन बाद स्टार्ट होगा मंडे से सर घाटमपुर आइए सर अच्छा आयुष <laughs> आलमगीर औरंगज़ेब जी रफली बीस से तीस मिनट के बीच तक ओके okay. सर आप न्यू औजार ले आए क्या हाँ ले आए सुखवीर सिंह न्यू औजार नए औजार मेरे आ गए हैं ठीक है आज ही आए नए औजार और नए औजार को चला के देखना है आप दो तीन दिन तक और फिर नए औजारों तुम्हें पता चलेंगे मंडे को नए औजार ठीक है हाँ <laughs> चलो तो आज ही आए नए हज़ार आज ही लेके आएँ ठीक है तो आज इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे नए हज़ारों में धन्यवाद सभी को थैंक यू मिलते हैं कल सर आपसे कैसे मिले सिलेक्शन के बाद ये बताएँ सिलेक्शन के बाद वो हम बता देंगे कैसे मिलना है एड्रेस दे, दे देंगे बस व्हाट्सअप नंबर मिलेगा तो और उसी में एड्रेस मिलेगा ठीक है बहुत लोग आए थे मिलने मिठाइयाँ भी भिजवाई थी उन लोगों ने तुम लोग भी भिजवाना वो सीक्रेट हैं वो यहाँ पे थोड़ी ना चीज़ें बताई जाती है तो तुम जब सिलेक्शन का हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे उसके बाद की सारी चीज़ें आगे प्रोसीड होती हैं अभी नहीं होती है। हैं सिलेक्शन जिन्होंने लिया है उन सबसे पूछ लो जाके ठीक है तो उसी के बाद होंगी सारी चीज़ें चलो भाई धन्यवाद कल मिलते हैं अब कितनी कम से कम पाँच छः बार धन्यवाद बोल चुका हूँ अब नहीं बोलूँगा अब सीधे बंद करने जा रहा हूँ मैं